कार दोस्तों मेरा नाम है पवन श्रीवास्तव और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माई लाइब्रेरी 99 पे तो दोस्तों ये हमारी इंग्लिश कंटेंट के साथ थर्ड वीडियो है और हमारा ऑब्जेक्टिव सीरीज़ की वीडियो नंबर सिक्स पार्ट थ्री है तो अब तक पार्ट वन एंड टू में हमने टोटल हंड्रेड क्वेश्चन इंग्लिस लैंग्वेज में कवर कर लिए हैं और अब हम आगे के सवालों को पढ़ेंगे हमारा टॉपिक चल रहा है इन्फॉर्मेशन एंड इट्स रोल और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें तो चलिए शुरू करते हैं आज के सवाल तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है विच वन ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एट इंटरनेशनल लेवल तो इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं हमारा आंसर होगा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन अगला सवाल है हमारा ऑर्गेनाइजेशन अप्लाइड लाइब्रेरी एंड इनफॉर्मेशन पॉलिसी इन इंडिया एट नेशनल लेवल तो इसका आंसर हो जाएगा आर uh, आर एल एफ नेक्स्ट सवाल है वे इज द हेड क्वार्टर ऑफ पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन इंडिया तो इसका आंसर है नागपुर तो हिंदी वाली वीडियोस में ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लेकिन क्योंकि ये इंग्लिश का कंटेंट है तो हम दोबारा से इन क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे Uh, अगला सवाल है विच ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूटेड दी नेशनल कमेटी फॉर लाइब्रेरी एंड इनफॉर्मेशन पॉलिसी इन इंडिया तो इसका आंसर हो जाएगा एजुकेशन डिपार्टमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हु द चेयरमैन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इनफॉर्मेशन सिस्टम 1986 तो इसके जो चेयरमैन थे वो मिस्टर डी पी चट्टोपाध्याय थे तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन वॉज लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन कमेटी स्टेब्लिस्ड तो इसका आंसर हो जाएगा नाइनटीन नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉज द चेयरमैन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी कमिटी ऑफ इंडिया तो इसका आंसर है मिस्टर बी एस झा तो दोस्तों इन क्वेश्चन में समझने वाली तो कोई बात है नहीं और आपको ये लर्न करने पड़ेंगे आप बार बार रिवाइज कीजिए वीडियोज को बार बार देखिए तो आपको ये लर्न हो जाएंगे अगला सवाल है द टर्म इन्फॉर्मेशन सर्विस इज एन इम्प्रोवाइज नेम ऑफ तो इंफॉर्मेशन सर्विस इज एन इम्प्रोवाइज नेम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉइंट द टर्म इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सो ये किसने किया था मिस्टर कालविन मूस मिस्टर कैलविन मूर्स द टर्म इंफॉमेशन रिट्रीवल नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड दैट इंफॉर्मेशन इज प्रोडक्ट एंड प्रोसेस बोथ सो ये कमेंट जो है वो मिस्टर जे मार्टिन ने बोला था कि इन्फॉर्मेशन इज ए प्रोडक्ट एंड प्रोसेस बोथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मैच द फॉलोइंग सो जैसा कि आपको पता है इन्फॉर्मेशन और डेटा इन्फॉर्मेशन नॉलेज को बार बार कॉटन uh, क्लोथ uh, उसके प्रोसेस से कंपेयर uh, किया जाता है तो हम इसको देख लेते हैं सो so, यहाँ पे हमारा डेटा जो है वो हो जाएगा कॉटन एंड इंफॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा ईयर एंड नॉलेज जो है वो हो जाएगा क्लोथ तो so, हमारा आंसर हो जाएगा ए नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन इज ए सोशल इंट्रैक्शन इन्वॉल्विंग द ट्रांसमिशन ऑफ मीनिंग थ्रू द यूज ऑफ सिंबल्स स्टेटमेंट इज गिवन बाई देखिए दोबारा से देख लेते हैं स्टेटमेंट कम्युनिकेशन इज ए सोशल इंट्रेक्शन इन्वॉल्विंग द ट्रांसमिशन ऑफ मीनिंग थ्रू द यूज ऑफ सिंबल दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाई ये स्टेटमेंट जो है वो एल्ड्रिज ने दिया था नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन इन्फॉर्मेशन इज आर

सो सोशल एंड साइकोलॉजिकल बैरियर्स आर रिलेक्टेंस टू कोऑपरेट विद इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट ठीक है ये नेक्स्ट है अनविलिंगनेस टू चेंजेस ये भी ठीक है ये भी एक तरह का बैरियर होता है अनहैप्पीनेस ओवर डिसिप्लिन एंड प्रोसीजर सो ये भी ठीक है और हमारा आंसर यहाँ पे भी ऑल ऑफ द हबाव हो जाएगा तो so, दोस्तों जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं उनमें आपको ऑप्शन सारे पढ़ने हैं सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद ही आपको डिसाइड करना है कि आपका एक्चुअल आंसर क्या होने वाला है अगर आप पहला ऑप्शन पढ़ के ही और आगे मार्क करके निकल जाएंगे तो वो आपका गलत हो सकता है तो आपको ये ध्यान रखना है कॉम्पिटिशन एग्जाम में कि आप जब भी आंसर करें तो सभी क्वेश्चन के ऑप्शन को सभी ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें और तभी आगे अपना डिसीजन लें नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इन्वेंशन में सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ नोवेलिटी इन्वेंटिवनेस एंड यूजफुलनेस बट इट मे नॉट क्वालिफाई फॉर ए पेटेंट अंडर द सिचुएशंस एंड इन्वेंशन विच इज़ फ्रिवुलस और विच क्लेम्स एनीथिंग ऑब्वियसली कॉन्ट्रेरी टू वेल इस्टेब्लिश्ड नेचुरल लॉ डिफरेंट टाइप ऑफ परपैक्चुअल मोशन मशीन्स ओके तो जो ऑलरेडी वेल इस्टैब्लिश नेचुरल लॉ से मिलता जुलता होगा uh, वो हमारा uh, हम उसे एज ए पेटेंट रजिस्टर नहीं करवा सकते ठीक है तो ये हम ये ऑप्शन वन हो गया ऑप्शन टू एन इन्वेंशन हुज इंटेंडेड यूज और एक्सप्लॉइटेशन वुड बी कॉन्ट्ररी टू पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी और विच कॉजिस सीरियस प्रिजोडिस टू ह्यूमन एनिमल और प्लांट लाइफ और हेल्थ और टू द इन्वायरमेंट एग्जाम्पल ए प्रोसेस फॉर मेकिंग ब्राउन शुगर विल नॉट बी पेटेंटेड राइट ये भी ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं द मेयर डिस्कवरी ऑफ ए साइंटिफिक प्रिंसिपल और फॉर्मुलेशन ऑफ एन एब्सट्रैक्ट थ्योरी रमन इफेक्ट एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिव रिलेटिविटी कैन नॉट बी पेटेंटेड राइट सो इस क्वेश्चन में भी ऑल द अबाव हमारा डी ऑप्शन सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है आई होप ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया था इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सी सिचुएशन ऐसी होगी जिसमें पेटेंट को रजिस्टर पेटेंट रजिस्टर नहीं करवाया जा सकता तो पहले वाले में पहला जो ऑप्शन है वो शॉर्ट में बता देता हूँ ऐसी कोई चीज जो कि वेल स्टेब्लिश नेचुरल लॉ है ऐसी कोई चीज़ जिससे सोसाइटी का एक्सप्लाइट सोसाइटी का का और पब्लिक का लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम आती है या फिर वो सोशली वो काम ठीक नहीं है और उसके बाद है मेयर डिस्कवरी ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल और फॉर्मुलेशन ऑफ एन एब्सट्रैक्ट थ्योरी तो so, ये सारी चीजें हम एज ए पेटेंट रजिस्टर नहीं करवा सकते तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑल द ऑफ द अबव नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए डिजाइन इज आर तो ऑप्शन ए इज द डिजाइन शुड बी न्यू और ओरिजिनल नॉट प्रीवियसली पब्लिस्ड और यूज्ड इन एनी कंट्री बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन द नोवेलिटी में रिसाइड इन द एप्लीकेशन ऑफ ए नोन शेप और पैटर्न टू ए न्यू सब्जेक्ट मैटर ओके सो दिस इज करेक्ट नेक्स्ट ऑप्शन इज द डिज़ाइन शुड रिलेट टू फीचर्स ऑफ शेप कॉन्फिग्रेशन पैटर्न और ऑर्नामेंटेशन अप्लाइड और अप्लीकेबल टू एन आर्टिकल ओके दैट्स ऑल्सो करेक्ट द डिज़ाइन शुड भी अप्लाइड और अप्लीकेबल टू एनी आर्टिकल बाई एनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस राइट ये भी ठीक है सो so, यहाँ पे भी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑल द अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रो माइक्रोकॉपिंग डुप्लीकेटिंग एंड इन प्लांट प्रिंटिंग कम्स अंडर सो ये किसके अंडर में आते हैं ये सब आते हैं रेप्रोग्राफिक टेक्नोलॉजी नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो रिगार्डेड एज कमोडिटी बिकॉज ऑप्शन पढ़ लेते हैं कॉन्टिन रेंजिंग फ्रॉम रॉ डेटा टू फिनिश्ड इन्फॉर्मेशन इट्स रेगुलेशन विल बी अफेक्टेड इन द फ्यूचर बाई द वैल्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन एज इट इज टेकन बाई टैक्स अथॉरिटीज ओके सो ये तो जस्टिफिएबल ऑप्शन लग रहा है नेक्स्ट ऑप्शन है प्लानिंग कमीशन एंड पॉलिसी मेकिंग ग्रेटली डिपेंड अपॉन दी अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग अगला ऑप्शन है इंफॉर्मेशन इन लाइक एंड इन एग्जॉस्टिबल एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ तो इन चारों ऑप्शंस को देखते हुए तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए कॉन्टिन Continuum uh, ranging from raw data to finished information. Its regulation will be affected in the future by the value of information as it is taken by tax author authorities. So, option A is the correct answer. Ne Let's go to the next question. It's uh, institutional barriers are. तो इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स क्या क्या होते हैं स्टेटस होता है स्ट्रक्चर होगा सीक्रेसी ऑल ऑफ द इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कैटेगराइज इन्फॉर्मेशन सोर्सेज इनटू कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल न्यू कन्वेंशनल एंड माइक्रो डॉक्यूमेंट हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं ये मिस्टर रंगनाथन ने कर <coughs> किया था नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्सन वर्किंग एज क्लासिफायर्स कैटेलॉगर्स रेफरेंस ऑफिसर इंडेक्सर एब्सट्रेक्टर एक्सेट्रा इन इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग टूल्स फॉर इन्फॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल आर नोन एज तो इनको हम क्या कहेंगे इनको हम कहेंगे रिट्रीवर्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट नेशनल इंफॉर्मेशन पॉलिसी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ओके ऑप्शन ए इज प्रोविजन फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग किट्स सो ये तो करेक्ट इंफॉर्मेशन है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ मैन पावर नीड्स इन टर्म्स ऑफ टाइप्स क्वालिटी लेवल्स फॉर द नेक्स्ट टेन ईयर्स कीपिंग इन व्यू द फास्ट चेंजिंग इन्फॉर्मेशन एनवाट सो ये भी करेक्ट है तो यह भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा नेक्स्ट है एनकरेजिंग फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस तो ये भी हमारा करेक्ट है सो so, ये आंसर भी, so भी नहीं होगा uh, हमारे पास ऑप्शन बसता है डी अट्रैक्टिंग कैंडिडेट्स हू हैव पुअर अकेडमिक रिकॉर्ड एंड नॉट इंटरेस्टेड इन इन्फॉर्मेशन मोटिवेशन एंड एप्टीट्यूड सो दिस इज ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट सो हमारा राइट right आंसर होगा ऑप्शन डी अट्रैक्टिंग कैंडिडेट्स हु हैव पोर अकेडमिक रिकॉर्ड एंड नॉट इंटरेस्टेड इन इनॉर्मेशन मोटिवेशन एंड एप्टीट्यूड दस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इनफॉर्मेशजनेटेड बाई एक्टिविटीज सर्विस एंड सेंसिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिवटी गर्वमेंट सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन है द सर्विस ऑफ प्रोवाइडिंग करंट इन्फॉर्मेशन इज नोन एज सो इसको हम बोलते हैं करंट अवेयरनेस सर्विसेज नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पीरियड प्री डोमिनटली सेंटर्ड ऑन इन्फॉर्मेशन एक्टिविटीज इज नोन एज ए पीरियड प्री डोमिनेटली सेंटर्ड ऑन इन्फॉर्मेशन एक्टिविटीज इज नोन एज इसको हम बोलेंगे इन्फॉर्मेशन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई श्रेन एंड व्यूबर मॉडल इज इन्फॉर्मेश ऑफ इन्फॉर्मेशन इज क्रिटिसाइज्ड सो इसके बारे में हम पहले भी बार बार बात कर चुके हैं इसका आंसर है ए बींग टू मैथमेटिकल डेटा मे बी कन्वर्टेड इंटू इन्फॉर्मेशन बाई सो डेटा मे बी कन्वर्टेड इंटू इन्फॉर्मेशन बाई एनालाइजिंग सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मॉडर्न सोसाइटी ऑल एक्टिविटीज आर सेंटर्ड ऑन सो इन इन अ मॉडर्न सोसाइटी ऑल एक्टिविटीज आर सेंटर्ड ऑन इंफॉर्मेशन नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग सो हमारे पास लिस्ट uh, ए uh, uh, है ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट बी है टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जनरेटेड सो हम ऑप्शन देख लेते हैं नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट स्टैटिस्टिकल एंड डिस्क्रिप्टिव जर्नल एंड रिसर्च रिपोर्ट स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन टेबल्स एक्सेट्रा सोशल साइंस रिपोर्ट तो यहाँ पे नेशनल फिजिकल लेबोरेट्री इसका आंसर हो जाएगा नेशनल फिजिकल लेबोरेट्री जर्नल्स एंड रिसर्च रिपोर्ट ओके सो ये हो जाएगा जर्नल्स एंड रिसर्च रिपोर्ट नेक्स्ट है मीट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट तो मीट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से हमें किस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन एंड टेबल्स एक्सेट्रा और नेक्स्ट है स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो यहाँ से हमें स्टेटिस्टिकल एंड डिस्क्रिप्टिव सो हमारे जो ऑप्शनस हैं इसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे ऑप्शन बी ऑप्शन बी इज़ दी राइट आंसर जिस जैसे कि दिया गया है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी का हो जाएगा जर्नल एंड रिसर्च रिपोर्ट मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का स्टैटिस्टिकल इफॉर्मेशन टेबल्स एक्सेट्रा एंड स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट स्टैटिस्टिकल एंड डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट ए टाइप ऑफ यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सो हमें मैच मेकिंग करनी है यहाँ पे अगेन uh, यहाँ पे टीचर्स uh, जो है वो किस तरह की इन्फॉर्मेशन यूज करेंगे टीचर्स जो है वो अकेडमिक वर्क से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यूज करेंगे ओके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स किस तरह की इन्फॉर्मेशन यूज करेंगे वो यूज करेंगे टू इम्पार्ट एजुकेशन पर परस्यूर देयर वोकेशन सो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इस तरह कीयर वोकेशन प्रोफेशनल विल यूज इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स विल बी यूजिंग इंफॉर्मेशन टू इम्पार्ट एजुकेशन नहीं नहीं थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे यहाँ हमारे आंसर्स हो जाएंगे टीचर्स टू इम्पार्ट एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफिशियल टू परस्यू देअन स्टूडेंट टू परस्यू अकेडमिक वर्क प्रोफेशनल्स फॉर डिसीजन मेकिंग सो अकॉर्डिंगली हमारा आंसर हो जाएगा अगले सवाल पर चलते हैं इन्फेरेंस इंजन इज ए पार्ट ऑफ विच इन्फॉर्मेशन सिस्टम सोफ इन्फेयरेंस इंजन इज ए पार्ट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन बियड ए मैनेजेबल लिमिट इज़ सो ग्रोथ ऑफ इन्फॉर्मेशन बियंड मैनेजेबल लिमिट इज एक्सप्लोजन ऑफ इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्री रिक्वेजिट ऑफ नेशनल इन्फॉर्मेशन पॉलिसी सो नेशनल इन्फॉर्मेशन पॉलिसी की रिक्वेजिड क्या नहीं थी प्रोडक्शन ऑफ नेशनल बिब्लियोग्राफी नेशनल बिब्लियोग्राफी प्रोड्यूस करना ये प्री रिक्वेजिड नहीं था नेशनल इन्फॉर्मेशन पॉलिसी का ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू Uh, ये है यूनाइटेड नेशंस नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुआ द टर्म इन्फोमेटिक्स तो इन्फोमेटिक्स टर्म किसने दिया था ये दिया था मिकिलो चेन्नई ग्लियारेस्की इन तीनों ने मिल के दिया था ये। और नेक्स्ट uh, क्वेश्चन है द इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो कॉल्ड पावर आ कॉमोडिटी एंड ए एंड रिसोर्स पावर आ कॉमोडिटी एंड ए रिसोर्स Next question is who defines that information is knowledge communicated concerning some particular fact, subject or event. So the definition. So this definition is given by Oxford English dictionary. In recent decades, demand for information has considerably increased due to due to so um, our options and social changes and reorganization, technological innovation, growth in education and research on account of all the all above. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिर से मैच मेकिंग है यहाँ पे चैनल दिया हुआ है हमारे ऑप्शन है चैन, मतलब लिस्ट ए है चैनल मीडिया रिसोर्स रिसोर्सिपीएं और हमें इनको मैच करना है तो चैनल विल बी मैच्ड विद मोड ऑफ कम्युनिकेटिंग मैसेज थ्रू सिग्नल्स सिंबल्स टेक्स्ट एक्सेट्रा ओके पर्सन हु रिसीव एंड यूज इंफॉर्मेशन कैरियर्स दैट डिमिनेट इंफॉर्मेशन और नॉलेज कैरियर्स कैरीज मैसेज टू ऑफ कंटेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड कैरीज नॉलेज तो चैनल का होगा कैरियर्स दैट डिस्मिनेट इन्फॉर्मेशन और नॉलेज नेक्स्ट इज मीडिया सो मीडिया है कैरीज मैसेज ऑफ कंटेंट कंटेंट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ओके मीडिया डी हो जाएगा सोर्स सोर्स हो जाएगा मोड ऑफ कम्युनिकेटिंग मैसेज थ्रू सिग्नल सिंबल्स टेक्स्ट एक्सेट्रा ओके एंड एंडियंट हो जाएगा पर्सन रिज द इंफॉर्मेशन सो हमारा वन का सी टू का डी थ्री का ए एंड फोर का बी यही हमारा आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिटेंडेंसी ऑफ इन्फॉर्मेशन इज सो रिटेंडेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन इस ऑप्शन देख लेते हैं अननेसेसरी बट कैन नॉट भी अवॉइडेड नेसेसरी एंड सम टाइम्स यूजफुल नेसेसरी एंड ऑलवेज डिजायरेबल नहीं हमारा जो तो है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन वो है अननेसेसरी एंड शुड भी एलिमिनेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड इनफर्मेश फ्लो आर यहाँ पे बैरियर्स कौन कौन से होंगे लैंग्वेज प्रॉब्लम इज द बैरियर ओवर पॉपुलेशन ट्रेडिशनल बाउंडेडनेस सो हमारा ऑप्शन दी इज द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दब फिर से मैच मैकिंग आ गया है साउंड डॉक्यूमेंट्स ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंट डिजिटल वीडियो डेस्क सी डी रोम और हमें पहचानने हैं सो साउंड डॉक्यूमेंट कंबाइनिंग इमेज एंड साउंड लेजर वीडियो डिस्क यूज फॉर मूवीज अलाउज यूजर टू कॉपी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सीडी रोम दिस साउंड रिकॉर्ड साउंड टेप्स सो साउंड डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा डी साउंड डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा डी उसके बाद नेक्स्ट है ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंट्स ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंट्स इसमें हो जाएगा कंबाइनिंग इमेज एंड साउंड ओके फर्स्ट का डी सेकेंड का ए एंड देन है डिजिटल वीडियो डिस्क सो इसका हो जाएगा लेजर वीडियो डिस्क यूज फॉर मूवीज ओके सो थ्री का बी हो गया एंड लास्ट है सीडी प्रोम सीडी प्रोम का हो जाएगा अलाउ यूजर टू कॉपी इंफॉर्मेशन सो इसका हो जाएगा सी सो आंसर इज फर्स्ट का डी सेकंड का ए थर्ड का थर्ड का बी एंड फोर्थ का सी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम बींग फेस्ड बाई इंस्टीट्यूशनल डिपोजिट्रीज फॉर काइविंग देर डॉक्यूमेंट्स सो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं सो डॉक्यूमेंट टाइप करने में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है कॉपीराइट इश्यूज़ की नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर इंडियन कॉपीराइट लॉ कॉपीराइट इज ग्रांटेड फॉर सिक्सटी ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर विच इज़ नॉट ए नियर सिनोनिम टर्म ऑफ इन्फॉर्मेशन सो इन्फॉर्मेशन का नियर सिनोनिम टर्म कौन सा नहीं है इन्शोरेंस आइडिया डेटा फैक्ट कैटलॉग सो so, uh, इसमें से आइडिया इज नॉट ए नियर सिनोनिम डेटा इज़ ऑल्सो नॉट क्योंकि डेटा को प्रोसेस करने के बाद इन्फॉर्मेशन बनती है फैक्ट्स फैक्ट्स भी नहीं है uh, यहाँ पे um, ओके नेक्स्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट ए सिनोनिम टर्म टू इंफॉर्मेशन सो आइडियाज आइडियाज ये इंफॉर्मेशन से नियरेस्ट है डेटा भी नियरेस्ट है, है तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा कैटेलॉग नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से लगाना है सबसे पहले क्या हुआ था सो so, सबसे पहले हुआ था um, बर्न कन्वेंशन बर्न कन्वेंशन हुआ था सबसे पहले नंबर वन बर्न बर्न कन्वेंशन नंबर वन उसके बाद हुआ उसके बाद क्या हुआ था उसके बाद हुआ था यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन ओके सो ये सेकंड था उसके बाद हुआ इंडियन कॉपीराइट एक्ट यानी कि ये थर्ड एंड देन वीपो कॉपीराइट एक्ट फोर्थ सो आंसर इज टू वन थ्री फोर टू वन थ्री फोर ठीक है अगले सवाल पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अमंग नॉलेजिबल पर्सन इज नोन एज दैट इज नोन एज इनविजिबल कॉलेज नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिर से मैच मेकिंग वाला क्वेश्चन है इनविजिबल कॉलेज इसको हम क्या बोलेंगे इनफॉर्मल चैनल इस इज ए बैरियर डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट इज ए फॉर्मल करियर एंड मीडियम फिजिकल करियर ठीक है तो so, हमारे आंसर हो जाएंगे फोर थ्री फोर थ्री वन टू फोर थ्री वन टू सो ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया एक्ट 1948 फोर्टी so, एट ये कब लागू हुआ that was implemented in आई थिंक नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन फोटी एट सो ये तैयार होना शुरू हुआ था 1945 में नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट uh, है कमेटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था सो so, इसको इस्टेब्लिश किया गया था न, न, नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम सो इसको इस्टब्लिश किया गया 1972 सेवेंटी टू में नाइनटीन सेवेंटी टू ओके तो फर्स्ट का नाइनटीन फोर्टी फाइव और सेकंड का नाइनटीन सेवेंटी टू फोर थ्री उसके बाद है कमेटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम नाइनटीन इंडियन so, नेशनल अगला सवाल देख लेते हैं नेक्ट नाइन सो यह कब हुआ था यह हुआ था ऑन लाइब्रेरी एंड में कमेटी ऑन नेशनलेशन सिस्टम सो ये हुआ पॉलिसी एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम तो यह हुआ था नाइनटीन में और इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर ये हुआ है ये हुआ 1951 में तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं द डिज़ाइन एक्ट सो डिज़ाइन एक्ट कब आया नाइनटीन हंड्रेड नाइनटीन इलेवन में आया डिजाइन एक्ट द कॉपीराइट एक्ट तो कॉपीराइट एक्ट कब आया सो कॉपीराइट एक्ट आया 1957 में द पेटेंट्स एक्ट पेटेंट्स एक्ट कब आया सो पेटेंट्स एक्ट आया 1970 में और फिर ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सो ये आया 1995 में ठीक है तो आंसर हो जाएंगे टू थ्री फोर वन टू थ्री आंसर है टू थ्री फोर वन ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही ठीक है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में बाय बाय